हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? तो वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो यहाँ पे मेरा हो गया है सारा काम धंधा घर का कंप्लीट। और टाइम दिखा दूँ आपको, 12 बज रहे हैं पूरे करेक्ट और 12:05 हो रहे हैं। और मैंने यहाँ पर सुबह से मैंने व्लॉग स्टार्ट नहीं किया और मुझे पता भी नहीं था कि व्लॉग है नहीं मेरे पास। और सुबह से मैं सिलाई में लगी हुई थी। ये आई थी 3 सलवार और 3 पैंट, नहीं 4 सलवार और 2 पैंट, तो 6 आई हुई थी। तो ये इन्हीं में मैं सुबह से लगी हुई हूँ और मैंने फाइनली कंप्लीट कर दिया और मैंने पैक भी कर दिया। अभी इनको स्कूल लेने जाएंगे ना हस्बैंड, तो इनको दे देंगे वहाँ पे, रास्ते में देने हैं तो बब्बू को लेने जाएंगे ना स्कूल, तभी दे देंगे। और आज मैंने पहना ये वाला न्यू सूट, कैसा लग रहा है मेरा न्यू सूट? प्लाजो वाला है ये देखिए, और बहुत ही सुंदर लग रहा है, कम्फर्टेबल भी काफ़ी है। तो मैं ये सिलने के लिए आ गई, इस वजह से मैं अपना भी कंप्लीट नहीं कर पाई सूट, और फिर और भी सिलने के लिए आ गए। ये देखो मेरी एक फ्रेंड रहती है यहाँ पे मीनाक्षी, उसके आ गए हैं, तो उनके अब मैं काटूँगी, कटिंग करूँगी। तो यहाँ पर मैं ले आई हूँ नींबू पानी, और मेरे कान्हा जी पी रहे हैं तो आप भी पी लीजिए। ये है मेरा नींबू पानी, ये लीजिए। सुबह बनाया था मैंने घिया दाल, और अभी रोटी रोटी सेकूँगी जब बच्चे आ जाएंगे। उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि जो मेरे फ्रेंड के सूट आए हुए हैं वो काट लेती हूँ, क्योंकि फिर और पैंट आ गई तो फिर टाइम नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैं अभी मैंने पैंट का काम कंप्लीट कर लिया, तो फटाफट से मैं उसके सूट काट लेती हूँ। और जो मैंने मनी प्लांट लेके आई थी मैं ताई के यहाँ से, वो मनी प्लांट मैंने लगाया था बोतल में पानी में, वो मैंने मनी प्लांट अब मट्टी में लगा दिया, उसकी जड़ें निकल गई थी 2-4, तो अब हो जाएगा। होएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी, वरना जीने पर रखा है मैंने, छाया में रख दिया तो हो जाएगा आई थिंक। मेरे लाला की ड्रेस दिखाती हूँ, मैंने नेट में से बनाई है, बहुत सुंदर लग रही है। ये देखिए लाला का सिंगार उतर गया है, वो मैं अभी कर दूँगी, लिपस्टिक उतर गई है बस, बाकी सब तो ठीक है। और नेट, ये नेट पड़ी हुई थी मेरे पे, तो मैंने लाला की पूरी ड्रेस बना दी है, सुंदर लग रहे हैं ना। चलिए 10 मिनट मैंने रेस्ट कर लिया बैठ के, और अभी 12:15 हो गए हैं, और मैं सोच रही हूँ कि मैं माला कर लेती हूँ, वरना मेरा 1 बजे सीरियल आने लग जाता है, तो फिर मैं वो देखने लग जाऊँगी, तो फिर मैं माला करना भूल जाऊँगी। तो मैं सुबह सुबह उठते ही सिलाई में लग गई थी, काम ख़त्म करते ही, तो मैंने माला करी नहीं थी सुबह, अभी कर लेती हूँ फटाफट से, आधा 1 घंटा लगेगा, फिर आपसे मिलती हूँ, ठीक है जी। हो गई मेरी माला, और छोंक दिए मैंने आज चावल, चावल खाने का मन था, रोटी नहीं बना रही हूँ मैं, और चावल ऐसे छोंके कि हल्दी नहीं थी घर में, तो बिना हल्दी के ही छोंक दिया मैंने। और यहाँ पे हस्बैंड भी आ गए हैं, ये देखिए कैसे धूप में जाके, और एक ऐड नहीं आती है वो सर पे से एनर्जी सारी धूप खींच लेती है, वही इनका हाल हो गया मुझे लगा। ये देखो इसको तो निकाल दो घर में, धूप ने कर रखा है बहुत बुरा हाल, इतनी तगड़ी वाली धूप है कि कुछ कह नहीं सकते। और 1 बज गया, मेरा नाटक भी शुरू हो गया होगा, टीवी कहाँ से चलाऊँ, रिमोट भी गायब हो गया। किसके? हाँ सिलाई करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, मन कर रहा है बस सो जाओ। सुबह से 3 वो सिल दिए मैंने, 1 सलवार 2 पैंट, और रात को सिल दी थी मैंने 3 सलवार। तो अब मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करके करूँगी, क्योंकि आज ये वाले जो ब्लाउज सिला था मैंने, वो दीदी भी आएंगी 20 तारीख को, बोल रही थी आने के लिए, तो इसमें भी तुरपाई करनी है। अभी टीवी चल गई है, बाप रे कितनी तेज आवाज है। तो जी ये बन गए बिना हल्दी के चावल, कैसे लग रहे हैं देखने में? सही लग रहे हैं, और खाने में भी बहुत टेस्टी हैं, खा लो। तो हमने तो खा लिया है, मैंने तो खा लिया है, बस हस्बैंड रह रहे हैं और बब्बू रह रही तुल्ली, और मैंने खा लिया है। तो खाने में बहुत टेस्टी थे, मेरे लाला ने भी खा लिया है। और उस टाइम मैं शूट नहीं कर पाई जब मैं खा रही थी, क्योंकि ये फ़ोन लेके गए थे मेरा बब्बू को लेने स्कूल, तो इस वजह से मेरा फ़ोन नहीं था मेरे पास,
फिर शूट भी नहीं हो पाया। और आप लोग भी खा लीजिए। क्या हल्दी से कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि टेस्टी बने बहुत ही। हे गाइस, तो मैं पता है सो गई थी दोपहर में, मन ही नहीं कर रहा सिलाई करने का, कमर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो अभी उठी हूँ मैं, 5 बज गए हैं, और उठी हूँ तो देखा यहाँ पे मेरी किसी ने भेजा है, मतलब आप समझ जाओ, ये देखो भंडारा आया है। तो आप लोग भी खा लीजिए, तो ये लीजिए आप भी खा लीजिए। ये है पूड़ी, और ये है पेठे की सब्जी, और ये मिर्चें छुकी हुई, और ये है आलू की सब्जी, और ये लड्डू। आप लोग भी खा लीजिए, कान्हा ने खा लिया मेरे। तो दिखा देती हूँ आपको मनी प्लांट, तो मैंने इसमें लगा दिया है, आप देख सकते हो 4 कटिंग है, 1 2 3 4 होएगी तो हो जाएगी, अभी मुरझाई मुरझाई सी हो रही है, देखते हैं कितने दिनों में होती हैं। और बाकी ये वाला मनी प्लांट सही हो रहा है, और ये भी सही हो रहा है, और ये भी सही हो रहा है, और ये भी सही हो रहा है। तो यहाँ मैं आ गई हूँ ऊपर, और मौसम हो रहा है एकदम ज़बरदस्त, ये देखिए कितना तगड़ा मौसम हो रहा है। और यहाँ पे मैंने कल सेटिंग करी है थोड़ी सी, ये गिर जाते हैं हवा तेज़ चलती है, तो इसलिए मैंने ईंटें लगा दी हैं, अब नहीं गिरेंगे, ये हिल भी नहीं रहे अब, है ना। तो इस तरह की थोड़ी सी सेटिंग करी है। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे मौसम हो रहा है बहुत ज़्यादा तगड़ा, और मज़ा आ रहा है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी, और घूमने में बहुत अच्छा लग रहा है। और अब तो और अच्छा लगता है क्योंकि पेड़ पौधे हैं ना, बीच में पेड़ पौधे नहीं थे ना बिल्कुल भी, छत पे मन नहीं लगता था, अभी देखो ग्रीनरी ग्रीनरी सी चारों तरफ, सुंदर लग रही है ना। ये देखिए, है ना। और मौसम आपको सामने का दिखाती हूँ, बहुत ही सुंदर हो रहा है। और टाइम मैं आपको बता देती हूँ, 6 बजने वाले होंगे आई थिंक, हाँ 5:30 या 6 हो रहे होंगे। तो अभी मैं घूमूंगी बहुत देर तक, उसके बाद नीचे चल के देखूंगी, खाना वाना बनाने की तो ज़रूरत है नहीं। सुबह मेरा मन कर ही रहा था कि मैं कह रही थी कान्हा जी से कि कहीं से भंडारा मिल जाए कान्हा जी, और देखो भंडारा आ भी गया। तो मैं बताऊंगी नहीं किसके यहाँ से आया, नहीं तो कुछ लोगों को चिढ़ लग जाएगी, इस वजह से समझने वाला समझ जाएगा जो समझदार है, इसलिए मैं नाम नहीं बता रही हूँ, और आप लोग समझ भी गए होंगे अब तक तो। क्या हुआ, मेरे को देने, और क्या करना है, चला दिया हमने, मौसम ख़राब हो रहा है इस वजह से, देख के आती हूँ मैं टंकी में कितना पानी है, उसके बाद बंद कर दूँगी। मौसम ख़राब होते ही ना हमारी लाइट चली जाती है, इस वजह से हम पहले मोटर चला देते हैं मौसम ख़राब होते ही। तो अभी मैं देख के आती हूँ कितनी भरी है कितनी नहीं भरी है, उसके बाद मैं घूमूंगी थोड़ी देर, फिर एंड करूँगी अपनी वीडियो का। आज छोटी सी वीडियो बनी होगी, कुछ शूट नहीं कराया क्योंकि, और आप एडजस्ट कर लेना, छोटी छोटी वीडियो लोग ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, इसलिए छोटी सी बनाई है। यहाँ पर इसके कपड़े चेंज करके ले आई हूँ मैं, क्योंकि तुलिका का फ्रॉक पहन लिया था इसने, अभी इसके कपड़े गीले हो गए थे, वॉशरूम गई थी तो इसने चेंज करके तुलिका का कपड़े पहन लिए थे, अभी मैं वो चेंज करके आई हूँ और ये वाले पहना के लाई हूँ, और इतने टाइट हो गए 1 साल के अंदर ही, हाँ बड़ी मुश्किल से आया है, उतरेगा थोड़ी ना, अब उतरने में दिक्कत देगा। पता नहीं कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं और समझ में नहीं आता, पिछले साल जो भी मैंने सूट बनाए थे बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, फंस जा रहे हैं, और फिर फंसते हैं ना इनके पापा, फिर बोलते हैं कि घर में मत बना के पहनाए कर बच्चों को, मार्केट से ला के पहनाए कर, फिर वो डांटते हैं मेरे को। एक बार तो ऐसा हुआ कि इसका दम ही घुट गया, एकदम उछलने लगी, मम्मी मम्मी उतरना नहीं है, और उन्होंने क्या किया कैंची लेके काट दिया बीच में से।
तो उनको ना टाइट कपड़े इन बच्चों पे बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब घर के कपड़े पता क्या होता है कि सूट वगैरह हम बनाते हैं तो वो स्ट्रेचेबल तो होते नहीं है, नहीं तो इस वजह से ना वो उतरने में दिक्कत देते हैं। टी शर्ट वगैरह स्ट्रेचेबल होती हैं इसलिए आराम से उतर जाती हैं चाहे कितनी फिटिंग की हो। और ज़्यादा फिटिंग मतलब थोड़ा सा लूज करते हैं तो अच्छा नहीं लगता, और फिटिंग का करते हैं तो उतरता नहीं है, तो दिक्कत होती है बच्चों के कपड़ों में। तो गाइज आपको दिखाऊं पसीने, देखो किस तरह से बह रहे हैं, मेरा टीका भी बह गया, और ये देखो और ये देखो मम्मी, इतना मस्त मौसम हो रहा फिर भी ना इतनी गर्मी लग गई। छत साफ करते करते तो मैं घूम रही थी ना, तो घूमते घूमते बहुत ही किसकिसी लग रही थी पैरों में छत, तो मैं सोची चलो झाड़ू लगा देती हूँ। फाइनली मैंने क्लीन कर दिया छत, आपको दिखाती हूँ। यहाँ से कोना पूरा साफ किया है ना, तो सारे गमले यहाँ बब्बू ने लगा दिए, छोटे छोटे बब्बू ने लगा दिए, बड़े मैंने लगा दिए। बब्बू अभी वहीं रहने दे, अभी परसों नरसों झाड़ू लगाएंगे तो यहाँ पे जमा देंगे, है ना। तो यहाँ पे लगा दिए फ़िलहाल के लिए, यहाँ नहीं लगा रही हूँ अभी। और यहाँ पे मैं चूल्हा ढक देती हूँ क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा, पता नहीं आना जाए, तो मैं झाड़ू लगा रही थी इसलिए उघाड़ दिया था, वरना ये ढका हुआ था। अपनी पूरी छत कितनी सुंदर लग रही है, ये देखिए यहाँ पे लगा दिए सारे गमले, और ये देखिए है ना। और सामने का व्यू दिखाती हूँ आपको कितना प्यारा लग रहा है, ये देखिए ग्रीनरी ग्रीनरी है ना। तो चलिए होप करती हूँ आज की छोटी सी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। बाय, लव यू ऑल।